अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम है आपका मेरे किचन में। और आज मैं आपको बहुत ही चटपटे टेस्टी आलू और ब्रेड के पकौड़े की रेसिपी दे रही हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। तो देखिए, ये मेरे पास इस कप से मैंने 1.5 कप बेसन लिया है और ये थोड़ा सा आरा रोट है इस कप से, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर है और पिसी हुई मिर्च है, ये भी इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी जाएगा, इससे हमारे पकौड़े बहुत क्रिस्पी बनेंगे। ये ब्रेड और आलू का पकौड़ा हम बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनेंगे ये, बहुत ही चटपटे। तो आइए इसे घोल लेते हैं। तो देखिए, ये 1 किलो के लगभग आलू है जिसे मैंने बॉयल करके अच्छी तरह से छील लिया है। और ये हरा धनिया है, 1 पूरा बंच हरा धनिया का मैंने काट करके ले लिया है। ये ब्रेड है और ये मीठी चटनी है, ये होममेड चटनी है। अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी इंशाल्लाह डालूंगी। और ये 2 छोटे छोटे प्याज थे जिसे मैंने बहुत बारीक चॉप किया है। चॉपर में आप चॉप करना चाहें तो चॉपर में कर लें, हाथ से करना चाहें हाथ से कर लें। और ये 5 से 6 हरी मिर्चें हैं और ये 2 टुकड़ा अदरक का है और 1 ये होल गार्लिक है, यानी पूरा खड़ा 1 लहसुन था जिसको मैंने छील करके ले लिया है। तो अदरक और हरी मिर्च और लहसुन को हम दरदरा सा पीस लेंगे, बिल्कुल दरदरा सा, बिना पानी डाले बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे और फिर आलू में डालेंगे। और ये पीसी हुई मिर्च है और ये नमक है। तो इन सारी चीजों को हम आलू में डालेंगे। हरा धनिया डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, पीसी हुई मिर्च डाल देंगे और ये प्याज डाल देंगे। बाकी इन चीजों को हम दरदरा सा पीस लेंगे और उसके बाद डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मिलते हैं इसे मिक्स करने के बाद। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसे दरदरा सा पीस लिया है, इसी तरह से इसे आप दरदरा सा पीस लीजिएगा और इसमें हम इसे डाल देंगे। और इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं दिखाती हूँ आपको मिक्स करके। तो देखिए, मैंने सारी चीजें डाल करके आलू को बहुत अच्छी तरह से आलू में सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं और बेसन भी हमारा घुल करके तैयार हो गया है, घोल लिया है मैंने बेसन को। तो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रेड को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है, स्लाइस इस तरीके से तिकोने काट लिए हैं। और अब ये जो हमारी चटनी है ये हम इस पर थोड़ी सी लगाएंगे इस तरह से, स्प्रेड कर देंगे इस पर और इस पे आलू लगा देंगे। अच्छी क्वांटिटी में आलू लगाएंगे इस तरह से, जैसे आलू लगा देंगे। दूसरे स्लाइस पे भी इसी तरह से हम चटनी लगा लेंगे। और फिर इस तरह से इसे पैक कर देंगे इस तरह से दबा करके पैक कर देंगे। इसी तरह से हम सारे बना करके तैयार कर लेंगे। पहले चटनी लगाएंगे, आप चाहें तो एक तरफ ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं, मैं इस वक्त मीठी चटनी ही लगा रही हूँ, मेरे पास इस वक्त ग्रीन चटनी नहीं है, आप चाहें तो ग्रीन भी लगा सकते हैं। आलू इस तरह से लगा देंगे अच्छी तरह से। फिर दूसरे पे भी चटनी लगा देंगे। बहुत ही अच्छे और चटपटे ये पकौड़े बनते हैं। और सर्दियों का दिन चल रहा है, आप शाम के टाइम इसे चाय के साथ बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को खा करके, बहुत टेस्टी पकौड़े बनते हैं। इस तरह से हम इसे पैक कर देंगे। और व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखा करिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो इसी तरह से मैं सारे बना लूँगी, इसी तरीके से सारे पकौड़े मैं स्टफ़ कर लूँगी ब्रेड में।
और फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो आइए सारे मैं स्टफ कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम अपने पकौड़ों को फ्राई करेंगे। ये बेसन है, इसमें डिप कर लेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से डिप करके हम इसमें डाल देंगे। इसी तरह से हम अपने सारे पकौड़े इसमें डालेंगे। इसी तरह से मैंने चार पकौड़े इसमें डाल दिए हैं और इन्हें सुनहरा होने तक हम फ्राई करेंगे। देखिए अब हम इन्हें पलट लेंगे आराम से, बिल्कुल इस तरह से पलट लेंगे। दोनों तरफ से हम इन्हें सुनहरा होने तक तलेंगे। आप इन पकौड़ों को इस तरीके से जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। तो देखिए हमारे पकौड़े तल गए हैं, इन पे एक अच्छा सा कलर आ गया है। हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज्यादा हमें इस पे कलर नहीं चाहिए। अब हम अपने पकौड़ों को निकाल लेंगे। देखिए इस पे कितना अच्छा कलर आया है। सारे पकौड़े हम अपने निकाल लेंगे। तो आइए अब इसे मैं सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए बन करके तैयार है हमारे बहुत ही चटपटे आलू और ब्रेड के पकौड़े। आप अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये और पकौड़ों की। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली और फ्रेंड्स में। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।